तो इस स्लाइड पर अब हम देखते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट क्या चीज होती है, और कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट क्या चीज है। ये दो चीजें अब हम देखते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका प्रोसेस है दैट इज फिक्स्ड वॉल्यूम, के जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, तो बेसिकली ये एक फ्लूइड है, ये इसका वॉल्यूम है वी, और इसका जो टेम्परेचर है दैट इज टी आई, और इसको आपने हीट सप्लाई देनी शुरू की। तो आफ्टर सम टाइम जो कि इसमें हीट, इसका टेम्परेचर हो जाएगा कुछ और, वॉल्यूम बिकॉज दिस विल नॉट चेंज, तो वॉल्यूम यही रहेगा और ये इसका जो टेम्परेचर है दैट बिकम्स टी एफ। तो कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट सी वी, विच इज बेसिकली सी वी, दैट इज बेसिकली क्यू वी, यानी कि प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो जो हीट आप दे रहे हैं दैट इज हीट फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। ठीक है जी, तो ये होता है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट का प्रोसेस। इसमें अगेन यू कैन सी दैट कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो मतलब क्या है कि दैट प्रेशर इज इंक्रीजिंग, सो प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, वेयर एज वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके जी, अब आते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ जो कि है कॉन्स्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट। ये जिस तरह के नाम ही बता रहा है कि इसमें जो प्रेशर है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऊपर हमने पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है जी, एंड दिस प्रेशर, ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है दैट इज लेट्स से 4 एटमॉस्फियर। ठीक है जी, तो अब आप इसको हीट दे रहे हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो पहले टी आई है, और सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि जो इसका प्रेशर है, हीट दे रहे हैं इसका टेम्परेचर टी एफ हो जाएगा और प्रेशर लेकिन सेम रहेगा, विच इज पी इक्वल टू 4 एटमोस्फियर, सेम प्रेशर का पिस्टन आपने ऊपर लगाया हुआ है तो वो प्रेशर वेरी नहीं कर रहा। तो नंबर वन थिंग, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, द अदर थिंग इज वॉल्यूम इज चेंजिंग, वॉल्यूम इज नॉट कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एंड द हीट, द कॉन्स्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट विच इज गिवन बाय सी पी, एंड बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट गिवन, सो क्यू पी ओवर एम डेल्टा टी। सो ये आपके पास कॉन्स्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा ओवरव्यू था कि प्रेशर, जिसमें हमने एनर्जीज की फॉर्म देखी, इंटरनल एनर्जी देखी, एंथाल्पी देखी, एंड देन एट द एंड वी टॉक्ड अबाउट द स्पेसिफिक हीट्स टू प्रोसेस। अब हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस आज के सेशन का वो है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, उसको हम देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता है कि इफ लाइक दिस इज फ्लूइड एंड द प्रेशर इज पी वन एंड देन द प्रेशर इज इंक्रीज टू पी टू, वेयर एज पी टू इज ग्रेटर देन पी वन, तो यू नो दैट कि जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो फ्लूइड विल कंप्रेस। सिमिलरली व्हेन इफ पी टू इज लेस देन पी वन तो यू नो दैट दिस वॉल्यूम इंक्रीजेस, सो इट एक्सपैंड बेसिकली। सो इट जस्ट मीन्स जो हमारे पास फ्लूड है दैट एक्ट जस्ट लाइक इलास्टिक सॉलिड, सो इन दिस सेंस यू कैन से। तो कॉफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फिर यहां पर हमारे पास जो कि जिसको हम बेसिकली हम
के से हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट बिकम्स बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस विच इज बेसिकली के। तो ये जो हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इसकी भी ज्यादा डिटेल से मैं इसलिए नहीं जाऊंगा बिकॉज ये भी आपने थर्मोडायनेमिक्स वन में बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी की कोफिशिएंट वगैरह ये काफी डिटेल से आपने स्टडी कर ली है। तो अब हम इस पूरे सेशन की समरी की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास पार्ट सेकंड था वीक वन का। तो इसमें हमने सबसे हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ऑफ फ्लूइड को देखा, जिसमें हमने सबसे पहले डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी को स्टडी किया, हमने इसके डिटेल देखी कि डेंसिटी क्या होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है और आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जो सबमर्जेंस किसी की भी ऑब्जेक्ट की, ये हमने इस पोर्शन में देखा। देन हमने इसमें हमने वेपर प्रेशर को देखा कि वेपर प्रेशर क्या होता है एंड कैविटेशन प्रोसेस क्या होता है, और इसकी हमने एक एग्जांपल सॉल्व की कि हाउ वी कैन अवॉइड कैविटेशन प्रोसेस। तो ये दो एग्जाम्पल हमने देखी, पहले में हमने एक सबमर्जेंस कैसे फाइंड की जा सकती है, फिर हमने देखा कैविटेशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, फिर उसके बाद हमने स्टडी किया जो हमारे पास टॉपिक था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज एंड स्पेसिफिक हीट्स को, और इसमें हमने पिस्टन के सिस्टम की एग्जाम्पल देखी और हमने फिक्स वॉल्यूम एग्जांपल देखी जिसमें हमने एक जार में वॉल्यूम फिक्स था और इसमें हमने हीट प्रोवाइड करते, और फिर इसके बाद हमने सबसे एंड पे जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू लिया कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का। तो ये इसमें हमने टॉपिक में हमने कवर किया। नेक्स्ट अब हम बेसिकली विस्कोसिटी को देखेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है, जो कि इस चैप्टर का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, एंड देन आफ्टर दैट हम सरफेस टेंशन के देखेंगे कि व्हाट इज सरफेस टेंशन और वो क्या चीज होती है, और इस चैप्टर के कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे अप नेक्स्ट, एंड उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। So, thank you very much for attending this session. Good luck and see you in the next session.